फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सना। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और उसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले 1, 2, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर गिवन है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले। तो एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैचेस जीत चुकी है। वो भी जितने भी उन्होंने मैचेस खेले उसमें से वो 10 मैचेस जीत चुकी है। ओके, फिर है इफ देयर विन मैचेस दे इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40% देन हाउ मेनी मैचेस दे डिड दे प्ले नॉट। ओके, तो ये कहता है कि उसमें से तुम्हें मतलब 40% तो मैच तो जीत चुके हैं, तो हमें हमें इसमें फाइंड करना है उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले, मतलब उन्होंने कितने मैचेस प्ले किए। ओके, उन्होंने कितने मैचेस प्ले किए, ओके, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें 10 मैचेस है टोटल, 10 मैचेस। ये तो हमें किसमें दिया हुआ, नंबर में, काउंटिंग में दिया हुआ है, और इसी का 40% कह रहा है, 40% मैचेस, मतलब 10% को ही हमें परसेंटेज में भी दे रही, मतलब 10 को हमें परसेंटेज में भी दे रही। ये तो काउंटिंग में है, और 40 मैचेस मतलब इतने मैचेस वो जीते, और उसको परसेंटेज में करके 40% मैचेस वो जीते, उसको परसेंटेज में भी करके दिया हुआ, और नंबर काउंटिंग के साथ। ओके, सो इसमें फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रिंग में इसमें परसेंटेज में भी दिया हुआ है और सिंपल नंबर में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या होगा, देखो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस है ना, तो उसमें हम लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस को, ठीक है, उसमें हम लेट कर लेंगे उस चीज़ को। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर और मैचेस बी एक्स, हमने उसको एस एक्स जो है वो लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें 40% कहा था, तो 40% ऑफ एक्स मीन्स इसमें से एक्स क्या हमें हमने के लिए लेट किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब जिन्होंने जितने भी उन्होंने मैचेस खेले उसमें 40% वो जो है मैचेस जीत चुके हैं। इज इक्वल्स टू टेन। 10 कहाँ से आया, 10 जो अपने मैचेस को जीत चुके हैं। ओके, ये तो हमें परसेंटेज में गिवन है, ये नंबर में गिवन है, हम दोनों को सब इंक्लूड कर लिया। ओके सर, हमने इसको मिक्स कर लिया। सबसे पहले तो परसेंटेज में जो गिवन है ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 100। ओके, उसके बाद अब देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 40 को हम जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 100। ओके, ऑफ की जगह इनटू एक्स इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो जीरो से हमारा जीरो यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जीरो कट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 10, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x है, x को हम यहाँ साइड में ले लेंगे, मतलब इसको यही छोड़ देंगे, इसको वहां लेके जाएंगे, 4/10 को हम वहां लेके जाएंगे 10 के पास। ओके, तो क्या होगा वहां जाके, 10 इंटू ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर 10 इंटू ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेते हैं। देखो ये चला जाएगा हमारे उससे 2 से 2 की टेबल में, ये चला जाएगा 5 में चले गया, और हम जैसे इसको यहाँ से, ये भी यहाँ से 5 में चले गया, इससे 5 में चले गया ये, और 5 और जब हम इसको इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी पूरी कटिंग करने में ये भी कट जाता है फिर नंबर से। ओके, तो हमारे पास बचा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25।
मैं यहाँ पर क्लियरली बड़े बड़े वर्ड्स में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 25 मैचेस, मतलब टोटल मैचेस उन्होंने 25 मैचेस उन्होंने टोटल खेले और उसमें से वो 10 मैचेस जीत गए। तो इतनी आसानी से हमने निकाल लिया है। तो देखो हमने x क्या फाइंड किया, जो जितने भी उन्होंने मैचेस खेले 25 मैचेस उन्होंने खेले और 10 मैचेस उसमें से जीत गए। और जैसे आपको मतलब और जैसे हमें ये फाइंड करना है कि 25 में से कितने मैचेस वो हारे, जीतने का तो हमें पता लगे कि 10 मैचेस कितने हारे वो, कितने हारे ये 25 में से माइनस कर दो 10 आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, बट हम इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ओके, हम एक बार करके देख लेते हैं, ओके। 25 माइनस 10 इज द जो वो मैचेस जो जीते थे, तो इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 15। अब जो ये 15 आया है, 15 मैचेस वो हार गए हैं, ओके, 15 मैचेस वो हार गए हैं, ओके। बस आप यहीं तक करना है, ये मैंने ऐसे बताया, ओके। सो आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा, ओके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।